नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 33 के प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद हैं, जो वहां के वार्ड की क्षेत्रीय जनता की समस्याएं और उनसे जुड़े हुए सुझावों के बारे में हमारे साथ में बातचीत करने आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हर बार चुनाव में परेशानियों का दौर चलता रहता है, जनता पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, अन्य समस्याओं को लेकर गंभीर होते रहते हैं। इस बार भी नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं जी, गर्मी की परेशानी अभी से शुरू हो चुकी है जी, उनको लेकर आपके पास में क्या सुझाव है और क्या तरीके हैं? सर, मैंने 2015 में कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्षद का चुनाव फेस किया था। मेरे सामने कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर, जो स्वास्थ्य प्रभारी रहे, वो थे। उन्होंने भी उस टाइम काफ़ी वादे इरादे किए। मरीन बस्तियां भी हैं, गरीब बस्तियां भी हैं इस क्षेत्र में, वार्ड नंबर 33 में, जहां पर ये तो विकट समस्या है। आज अपन देखें तो अपना मतलब 21वीं सदी की ओर अपन है, लेकिन जो समस्या है यथावत बनी हुई। आज भी बस्तियों में कई बस्तियां हैं जो पट्टे भी नहीं है जिस बेस पर लोग आए थे सत्ता में या नगर निगम पालिका में जीत कर आए थे कि पानी की सुविधा देंगे, ड्रेनेज की सुविधा देंगे, यहाँ तक कि रजिस्ट्रिया करवाएंगे। 40-40 साल कॉलोनियाँ पुरानी हो गई है, वहाँ उनका कोई अभी तक कोई कागज, कोई रजिस्ट्री का जो बोले थे, यहाँ तक मंदिरों पर कसम में खाई भाजपा के नेता उनने, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात चलते हैं तो पानी के ऊपर, तो इन्होंने जो सरकारी बोरिंग करवा रखे हैं, इनके ही जो चट्टे बट्टे जो इनके लोग रहते हैं, इनके एजेंट टाइप जो हर घर से पैसा उगाते हैं। तो तीसरी बात करते हैं तो लहिया कॉलोनी गरीब बस्ती में कभी ठेरी गांव के पास अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है। इन्हीं के जो चुटभैये लोग हैं, इनके संरक्षण में सारा व्यापार चल रहा है। चौथी बात मैं करूँगा शिक्षा के क्षेत्र में, तो कबीरगढ़ी गांव में ग्रामीण सरकारी स्कूल था, उसका वीडियो मैंने लिया था, मैंने उसको शेयरिंग किया था, 10,000 लाइक्स मेरे को मिले थे उसमें। एक ही इतने बड़े रूम के अंदर कम से कम पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चों को ठूस कर भरा गया था। ना उनकी टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना ही कोई दूसरे मतलब दूसरे क्लास में, एक पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चों को एक ही क्लास में रखा गया, शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप जिस वार्ड में रहते हैं वहाँ के वोटरों की संख्या कितनी है? मैं जिस टाइम मैंने चुनाव फेस किया था 15,700 वोटर थे। आप कितने वोटों के अंतर से उस चुनाव को हारे थे? मैं हारा था लगभग 6,500 के लगभग वोटर से। हारने का मुख्य कारण क्या था? हारने का मुख्य कारण ये था कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, धनाढ्य लोगों में नहीं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और इन लोगों ने अवैध तरीके से जो कमाया है पैसा, इन्होंने खूब लगाया। 15-15 दिन तक भंडारे चलाए, शराब बांटी, लोगों को पैसा बांटा, इनमें नैतिकता नहीं है जीतने की। अगर ये बोले कि एक रूम में ये बैठ जाए, एक रूम में कांग्रेस का कैंडिडेट बैठ जाए, तो मैं दावा करता हूँ कि जो इनकी दादागिरी है दो नंबर क्षेत्र में है, इनके नेताओं के संरक्षण में है, हर एक आम आदमी डरता है उसके घर की समस्याओं को लेकर। ड्रेनेज की लाइन बंद कर देंगे, पानी की लाइन काट देंगे, भेदभावपूर्ण राजनीति करते हैं। पिछले चुनाव पे मध्य प्रदेश में भी कुछ ही दिन पहले विधानसभा चुनाव खत्म हुआ जी, उसमें कांग्रेस की सरकार है जी। नगर निगम में आज की तारीख में महापौर बीजेपी पार्टी। पहले आपको कार्य करने में ज्यादा सहयोग मिलता था या आज के दौर में जब कांग्रेस की सरकार है तब आपको क्षेत्रीय तौर पर कार्य करने में ज्यादा सहयोग मिलता है? क्षेत्रीय तौर पर कांग्रेस की सरकार है तो काम करने में अच्छा भी लग रहा है, सुनाई हो रही है, हम लोगों को लेकर जाते हैं जोनों पर, जो जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस समय ऐसा क्या था जिनके कारण जिन योजनाओं पर आपको नहीं हो क्रियान्वित हो पा रही थी, और आज ऐसी कौन सी योजना है जो क्रियान्वित हो पा रही है? जो आज योजनाएं हैं, जैसे पहले आपको 21,000 रुपये कन्या विवाह में गरीबों को दिया जा रहा था, आज वो बढ़कर 51,000 रुपया हो गया है।
हमने भी दो जगह सहायता करवाई है, उनको पेमेंट मिला है इसका, जो जननी सुरक्षा योजना में चल रहा है 25,000 का जो 16,000 का, तो शायद 16,000 हो चुका है और बराबर उसका लाभ मिल रहा है। पेंशन का जो था 300 रुपये बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिए, जो उसका लाभ भी मिल रहा है। अपंग लोगों को जो मतलब रोजगार का देखें तो उसमें प्रधानमंत्री के तरह मुख्यमंत्री की तरह योजना का लाभ मिल रहा है। क्षेत्रीय तौर पर जो पार्षद की कार्य चली है जी, वो क्या क्षेत्रीय एरिए के जो जनता है वो संतुष्टिपूर्वक है? आप मेरे साथ चल सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल फेस करवा दूँ। आज भी मेरे पास कम से कम 15 फोन आए पानी में। पार्षद वो रहते हैं परदेसी पूरा, कभी झांकते भी नहीं गरीब बस्तियों में, और सीना ठोक के बोलते हैं तू कैसे आया यहाँ पर मेरे ऑफिस में, वहाँ की गरीब जनता बड़ी परेशान है, आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको इंटरव्यू दिला दूंगा। मैं भले वहाँ से हारा हूँ लेकिन लोगों का मैंने दिल जीता है। आज भी लोग मेरे साथ हैं, ये पैसों के बल पर राजनीति हो रही है कुछ नहीं। पिछले 4-5 साल में ऐसे कौन से कार्य जो हैं आपके क्षेत्र में हुए हैं और ऐसे कौन से कार्य होना चाहिए थे जो आज तक हुए? पहला मुद्दा तो मैं कहूँगा जो बस्तियों में उन्होंने वेद कराने का बोला था, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कहा था हम बस्तियों को वेद करवाएंगे, अवैध बस्तियों को वेद करवाएंगे, जिनके पट्टे नहीं उनको झोपड़पट्टे को पट्टे दिए जाएंगे। ऐसी कोई भी योजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है। हमारी कॉलोनी जहाँ पर मैं निवास करता हूँ वहाँ पर भी कॉलोनी 40 वर्ष पुरानी हो चुकी है। उसकी रजिस्ट्री का मामला आज तक कैलाश जी के पास, सारे लोग भी भाजपा के लोग भी रहते हैं हमारे कॉलोनी में, सभी तरह के लोग हैं। 15 से 20 बार बसें लेकर भोपाल तक गए होंगे, खाना वाना खिलवा के वापस ले आते हैं। राजनीति लाभ लेने के लिए बसें भरते लेके चले जाते हैं। अभी लोग बोलते बोले यार भैया आपकी सरकार है तो आप करवाओ, ये मुद्दे हैं। एक भी कोई सरकारी स्कूल नहीं है क्षेत्र में। जिन मुद्दों को आप बोल रहे हैं उन मुद्दों का अगर आपके नगर निकाय चुनाव में अगर आपकी जीत होती है, राज्य में आपकी सरकार है, तो उन मुद्दों को क्रियान्वित कराने के लिए आपके पास में क्या तरीके होंगे? मैं तो पूरा तन मन धन से गरीबों की सेवा करना चाहता हूं। अगर आगे पार्टी मौका देगी तो मैं तो बिल्कुल जो भी योजना है उनका लाभ किसी तरह से गरीबों को परेशानी नहीं हो पूरा तन मन धन से काम करूंगा। आपके वार्ड में अभी तक शासन के कितने प्रकार के सहयोग मिल रहा है और आगे किन सहयोग की आप अपेक्षा रखते हैं? अभी जो सहयोग मिल रहा है आंगनवाड़ी में जो हमारे कोऑर्डिनेटर है, मेरे को कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है आंगनवाड़ी का, वहाँ भी हम लोग देखते हैं, जानकारी लेते हैं गरीबों को बराबर, बच्चों को पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं, शिक्षा मिल रही है कि नहीं, ये सब हो रहा है, बढ़िया चल रहा है सर। कितना समय से सही चल रहा है? जब से कांग्रेस की सरकार बनी है जब से सब बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब बीजेपी सरकार के समय पर योजनाएं ठीक से कार्यान्वयन नहीं थी? नहीं थी। सभी जो अनाज बना जाता था वो हमने सारा गणित इनका देखा है, अगर 70% आ रहा है तो वहां से बच्चों तक 20% ही पहुंचता था, बल्कि 50% इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उड़ा लिया जाता था। अच्छा, हमने सारा कैलकुलेशन निकाल के हमारा ऐसे पेपर रखा हुआ। कितने साल से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ मतलब कम से कम 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष जी। 20 वर्षों में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आपने अपने उल्लेखनीय कार्यों में जोड़ के जनता तक बताना चाहते हैं कि जी आपने करा है? जो मेरे द्वारा कराया गया लोगों की सहायता करता हूँ। किस प्रकार की सहायता? जैसे किसी को पेंशन दिलवाना हो, किसी को मेडिसिन का लाभ दिलवाना हो, गरीबों की बच्चों की शादी के लिए एग्री होता हूँ, उनके लोन वोन करवाना होते हैं, और अपना आंगनवाड़ी के जो कार्य होते हैं बच्चों को शिक्षण सामग्री दिलवाना होती है इसमें। क्षेत्रीय तौर पर अगर जनता आपके पास में अगर कोई समस्या लेकर आती है बिल्कुल, तो उसका निराकरण आप किस प्रकार करते हैं? देखता हूँ जोन वाइज, अगर जोन का होता है कागज तो जोन पे जाता हूँ, उनको साथ लेकर काम करवाता हूँ, यहाँ तक अगर भोपाल भी जाना होता है तो भोपाल भी जाता हूँ। कितने % लोगों को आप अपने तौर पर आज तक संतुष्ट कर पाए हैं? मैं 25% लोगों को संतुष्ट कर पाया। अगर आप पार्षद के चुनाव में दोबारा खड़ा होकर विजयी होते हैं जी, तो ऐसी कौन सी योजना है जो आप करना चाहेंगे? मैं तो पहले तो रोजगार के क्षेत्र में कुछ करना चाहूंगा, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहूंगा। इन क्षेत्रों में
क्या आज की तारीख में वो कार्य नहीं हो रहे? नहीं हुए। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए कि जो सरकार आई, जो पूर्व सरकार थी, जो अभी नगर निगम नगर पालिका भाजपा के लोग हैं, ये सब लालची लोग हैं, दादागिरी से काम करवा रहे हैं और अपने ही लोगों का काम करते, बाकी किसी का ध्यान नहीं करते। आज मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और था रहूंगा। मेरे घर के सामने आज भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई है। यहाँ तक मैंने मेंदोला जी, भाजपा के कद्दावर नेता है, विधायक, उन तक को शिकायत करी, मेरे घर के सामने आज भी उन्होंने लाइट नहीं लगवाई, बताओ। जबकि मैं तो चुनाव लड़ चुका हूँ, जनप्रतिनिधि, कई कार्यक्रम में अपने हीरानगर चौराहे पे करता हूँ, बच्चों को वस्त्र देना, किताबें देना, कापियां देना, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करता हूँ। आपके द्वारा आज दिनांक तक जी ऐसी कौन सी समस्या है जो जटिल रही है और जिसे बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार अभी जो क्षेत्र दौर में है जिसे हल नहीं कर पाई है और जो आप करवाना चाहते हैं? सबसे जटिल समस्या है मेरी कॉलोनी की रजिस्ट्री। कम से कम वहां पर 200-300 मकानों में, बल्कि ज्यादा, जो 40 साल पुरानी सबसे पुरानी कॉलोनी है, अभी तक उसकी रजिस्ट्री का कुछ भी नहीं है, वो करवाना चाहूंगा। ये थे हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 33 के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिन्होंने वहाँ की जनता की मूलभूत समस्या, खास करके रजिस्ट्री के मामले में जो स्थाई नहीं हो पा रहे हैं घर, उनको लेकर हमारे बीच में एक समस्या रखी है। तो आपका यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद सर।